हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 5 केसेस ऑफ नाउंस एंड प्रोनाउंस। योर पेज नंबर इज 27। प्लीज ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 5 केसेस ऑफ नाउंस एंड प्रोनाउंस। लेट अस सी केसेस ऑफ नाउंस। The case of a noun indicates its role, subject or predicate in a sentence। मतलब बेटा cases of nouns का मतलब ये है कि ये बताता है कि ये subject के रूप में प्रयोग किया गया है या object के रूप में। Noun को subject के रूप में यूज किया गया है या object के रूप में, ठीक ना। ये कैसे पता चलता है? cases of nouns, ठीक ना। चले तो ये कौन कौन से cases हैं? ये nominative, ऑब्जेक्टिव और देखे पॉजिटिव, ठीक है। तो लेट अस सी द फर्स्ट नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, अ नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यदि नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो उसे हम कहेंगे कि वो जो है नॉमिनेटिव केस है, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए बेटा, मिस्टर रमन इज एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, ठीक ना। तो हियर मिस्टर रमन इज ए प्रॉपर नाउन इन द नॉमिनेटिव केस। तो इसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस, ठीक ना। सेकंड देखिए, आर्टिस्ट्स मेक पोर्ट्रेट्स। हियर आर्टिस्ट्स इज ए कॉमन नाउन इन द नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अब चलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। Nouns are said to be in objective case if they are the direct objects of the verbs or if they are the objects of preposition. Direct object is the person or the thing upon whom or upon which the action of the verb is carried out. मतलब क्या, सीधे सीधे जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज किए गए हैं नाउन्स, उन्हें हम जो है ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल देखिए, आई मेट योर फादर इन लॉ। तो हियर फादर इन लॉ इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द वेंडर सेल्स वेजिटेबल्स। व्हाट डज द वेंडर सेल? वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल क्या है यहाँ पे? ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक ना। सिमिलरली दीज आर द एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा पॉजिटिव केस। अ नाउन इज सेड टू बी इन पॉजिटिव केस इफ इट डिनोट्स पोसेशंस और ओनरशिप, ठीक है। अ नाउन इन द पॉजिटिव केस इज गवर्न्ड बाय द नाउन दैट फॉलोज इट, ठीक ना। जिसमें ओनरशिप शो की जाए उससे हम क्या कहेंगे? वो पॉजिटिव केस है, ठीक है ना। सच एज एग्जाम्पल देखिए, दिस इज सनाज पेंसिल। तो यहाँ पे सनाज क्या है? सनाज इज इन पॉजिटिव केस, या सना की पेंसिल है। तो यहाँ पे सनाज जो है पॉजिटिव केस माना जाएगा, ठीक ना। इट इज़ द टीम मैनेजर्स आइडिया। तो हियर टीम मैनेजर्स इज इन पॉजिटिव केस, ठीक ना। यह टीम मैनेजर की आइडिया है, तो इसे हम टीम मैनेजर को क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव केस है, ठीक है ना। और बेटा इन द सेम वे द केसेज ऑफ प्रोनाउंस आर आल्सो कंसिडर्ड। ठीक उसी तरीके से केसेज ऑफ प्रोनाउंस को भी समझा जाता है। देख लीजिए जस्ट जस्ट एग्जांपल, नॉमिनेटिव केस फॉर द प्रोनाउन, ठीक ना। तो अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस If it is the subject of a verb, यानी जब हम इसको जो है subject के रूप में यूज करेंगे pronoun को, तो उससे हम कहेंगे कि nominative case के रूप में है। Pronouns कौन से होते हैं? I, we, you, they। तो if I, we, you, they are used just as like the subject, then those pronouns are in the nominative case, ठीक है। उसे nominative case कहेंगे। Example देखिए बेटा, I respect my teachers। We ran after the thief. You love your country. She is a doctor. तो
इन दिस सेंटेंसेस आई वी यू शी इट दे दिस ऑल आर द इन नॉमिनेटिव केस दिस ऑल प्रोनाउंस आर इन द नॉमिनेटिव केस ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव केस, मतलब इन्हीं प्रोनाउंस को यदि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए है तो उससे हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। देखिए प्रोनाउंस आर सेट टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब और इफ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए बेटा माय मदर गाइड्स मी टू रीच द स्कूल, तो यहाँ पे मी क्या है ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सी गेव अस सम हैंडी टिप्स फॉर यहाँ पे फॉर बाय ए कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पे अस क्या हो गया अस जो है अस यहाँ पे मी ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा ठीक ना। फिफ्थ में देखिए प्लीज गिव हर माई रिगार्ड्स, तो यहाँ पे हर क्या है ये ऑब्जेक्टिव केस है। सी टेल्स देम द न्यूज, देम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है ठीक ना, यहाँ पे देम ऑब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है ठीक ना, इट ऑब्जेक्टिव केस है ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव केस, अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन पॉजिटिव केस इफ इट डिनोट्स पोजीशन और ओनरशिप, यानी कि जहाँ पे ओनरशिप शो की जाए उससे हम जो है पोजीशन प्रोनाउंस वाली केस कहेंगे ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए दिस पेन इज माइन, द न्यू कार इज अवर्स, दिस वॉच इज योर्स, द बाइक दैट इज स्टोलन इज हिज, तो इसमें क्या है ये माइन अवर्स हिज योर्स हर्स theirs और its, these all are the possessive pronouns ठीक है। तो बेटा इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और नेक्स्ट डे से हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।